हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का। इससे पहले हमने 3 लेक्चर कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने क्वांटम स्टेट ऑफ एन एटम पढ़ा था, सेकंड लेक्चर में हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ा था एंड दी थर्ड लेक्चर में हमने बोहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम पढ़ा था। आज है हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये 3 टॉपिक्स क्या हैं हमारे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, करेक्शन फॉर न्यूक्लियर मास एंड द थर्ड टॉपिक इज वेरिएशन इन रेबर्ट कॉन्स्टेंट ड्यू टू द फाइनाइट न्यूक्लियर मास। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें क्या देखेंगे हम? व्हेन ए बीम ऑफ कंटिन्यूस लाइट इज पास्ड थ्रू ए ग्लास सेल कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस इन द एटॉमिक स्टेट देन सेंट इनटू स्पेक्ट्रोमीटर से हम जब इसमें पास करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ए सेट ऑफ डार्क लाइंस ऑन ए ब्राइट बैकग्राउंड इज ऑब्जर्व। 7 डिफरेंट लाइंस मिलेंगी हमें, जिसको हम इस नाम से जानते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसमें जो रेड लाइट होगी हमारी वो मोर इंटेंस लाइट होगी। अब हम इसमें देखेंगे, द लाइट एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम इज रेड बिकॉज ऑफ इट्स 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लाइंस। द मोस्ट इंटेंस लाइन इज इन इट्स स्पेक्ट्रम इज द रेड लाइन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एट 656 नैनोमीटर। द एटम इनिशियली इन ग्राउंड स्टेट में हमारे n इक्वल टू 1 एंड सो एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन कैन अकर ओनली फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू एंड ग्रेटर देन 1। Therefore, lines of only the Lehmann series, क्योंकि n equal to 1 हो सकता है and greater than 1 हो सकता है, तो हम क्या देखेंगे इसमें? Therefore, lines of only Lehmann series appear in this absorption spectrum. According to Boltzmann probability distribution, the ratio of the N2 atom of the excited state to the N1 एटम इन द ग्राउंड स्टेट, इसका हमारा रेशियो क्या होगा? एनर्जी बाय इन टर्म्स ऑफ kT, E-A2/kT, e^-E1/kT। एनर्जी का हम E1-E2 लिख सकते हैं बाय kT, ये इस तरह से इस फॉर्म में निकल सकते हैं। कल के लेक्चर में हमने E1, E2, E3, E4 इनकी एनर्जीज निकाली थी, वहाँ से हमें E1 की एनर्जी मिली थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड E2 की वैल्यू क्या मिली थी हमें? -3.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E1 एंड E2 में हम इसमें E1-E2 निकाल लेंगे इन वैल्यूज को पुट करके, तो हमारा इनका डिफरेंस क्या आया? -10.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम इसमें E1-E2 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, के क्या हमारा इसके अंदर? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है हमारी? 1.38 × 10⁻²⁰ जीरो जूल पर केल्विन एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारी क्या होगी? 8.62 × 10⁻⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। अब इन सभी की वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारी क्या जाएगी इक्वेशन? ये हमने डिफरेंस एंड इस बोल्ट्स कांस्टेंट बाय kT बाय T टेम्परेचर, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई रेशो की?
e माइनस 1.18 इंटू 10 टू द पावर 5 केल्विन बाय टेम्परेचर एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट ऑफ द रेशियो क्या आ गया हमारी वैल्यू। अब हम सेकंड टॉपिक हमारा क्या है इसके अंदर करेक्शन फॉर न्यूक्लियर मास। क्या ले लिया हमने ये इलेक्ट्रॉन ये हमारा न्यूक्लियस सेंटर ऑफ द मास इलेक्ट्रॉन एम ये एम क्या लिया हमने मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ये एम क्या लिया हमने मास ऑफ द न्यूक्लियस आर आर क्या हमारा डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉल एम टू द कैपिटल एम एंड सी क्या हमारा इसके अंदर सेंटर ऑफ मास एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी आर माइनस एक्स क्या हमारा डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द सेंटर ऑफ मास एंड एक्स क्या हमारा डिस्टेंस बिटवीन स्मॉल एम इंटू सेंटर ऑफ द मास। इसमें हम देखेंगे द न्यूक्लियस इज इनफाइनेटली हैवी एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन एंड सो रिमेन फिक्स्ड इन स्पेस। इनफैक्ट द न्यूक्लियस हैज ए फाइनाइट मास and nucleus and electron both revolve about their center of mass which remain fixed in space. Since the system is in equilibrium the moments of the m and small m and capital M about the center of mass is equal to hamara kiske equal hoga jo small m hai और डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द सेंटर ऑफ द मास कैपिटल एम आर माइनस या हम इसको लिख सकते हैं आर माइनस एक्स ये वाली इक्वेशन हम इसको मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन आ गई एम एक्स इक्वल टू इसको इस साइड ले आए तो हमारी इसमें से एक्स की वैल्यू निकालेंगे इन दोनों में से हमें ये जो इक्वेशन ली है हमने इसमें हमने क्या निकालना है x की वैल्यू r माइनस x की वैल्यू इसको सोल्व करने के बाद x की वैल्यू क्या आएगी हमारी कैपिटल M r बाय m प्लस कैपिटल M फिर इसी में से हम r माइनस x की वैल्यू निकालेंगे r माइनस x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी स्मॉल m R by M plus M X की वैल्यू तो आई है हमारी कैपिटल M R by M plus M एंड R minus X की वैल्यू आई हमारी स्मॉल M R by M plus M मोस्ट टू important equations Since both the electron and the nucleus revolve around the center of the mass with same angular velocity हमारी किसके equal हो जाएगी angular momentum equal to mx square जो हमने ऊपर लिखा था into omega plus mr minus x का square इंटू ओमेगा एल क्या हमारा इसके अंदर सम ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस तो इसमें से हम एल इक्वल टू आ जाएगा हमारा एम एम स्क्वायर आर स्क्वायर इसमें से हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे आर माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने ये ऊपर निकाली है इनका स्केयर कर देंगे हम इसके अंदर पुट किया हमने
तो ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन एल की, स्मॉल एम कैपिटल एम बाय एम प्लस एम इंटू आर स्क्वेयर ओमेगा, इसके अंदर एम एम अपॉन एम प्लस एम क्या आता है हमारा, म्यू मीन्स रिड्यूस्ड मास, इसको हम क्या लिख देंगे म्यू आर स्क्वेयर ओमेगा। एल एल क्या होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम, एन एच अपॉन टू पाई इंटू म्यू आर स्क्वेयर ओमेगा, आर ओमेगा को हम वी लिख देंगे एन एच बाय टू पाई इंटू म्यू वी आर, हम इसको इस तरह रिड्यूस्ड मास इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, ये हमने इक्वेशन कल भी निकाली थी। इसमें जो हमारी एनर्जी होगी फॉर दी nth ऑर्बिट के लिए वो हमारी होगी माइनस म्यू जेड स्केयर ए की 4 बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्केयर एच स्केयर इंटू 1 बाय एन स्केयर, जैसे हमने कल भी निकाली थी, बस इसमें हमने रिड्यूस्ड मार लिया है मास लिया है। और नेगेटिव साइन क्यों आया हमारा, क्योंकि म्यू इज स्लाइटली लेस देन एम, द एनर्जी इज स्लाइटली लेस नेगेटिव देन इफ द न्यूक्लियस वर एट रेस्ट। अब हम वेरिएशन निकालेंगे जो हमारा थर्ड टॉपिक है, वेरिएशन इन रेबर्ड कांस्टेंट ड्यू टू द फाइनाइट न्यूक्लियर मास। द फाइनाइट न्यूक्लियर मास कॉजेस ए स्लाइटली वेरिएशन इन रेबर्ड कांस्टेंट फ्रॉम एटम टू एटम, द रेबर्ड कांस्टेंट फॉर द ऑल एटम्स के लिए यूज होता है फॉर एन एटम having an infinitely heavy nucleus, Rebert constant की value क्या निकाली थी हमने कल, m e की 4 by 8 epsilon naught square h cube by c, and that for an atom having a nucleus of mass m, mass m के लिए हमारा क्या हो जाएगा r m, इसकी जगह कैपिटल एम e की 4 बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब बाय एच क्यूब सी। म्यू क्या होता है हमारा एम एम अपॉन एम प्लस एम, इसको हम एम से डिवाइड कर देंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी एम बाय 1 प्लस एम बाय एम, तो हम इसके अंदर म्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, एम जो हमारा ये इस साइड लिख लिया हमने, तो आर एम रेबर्ड कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी फॉर मास आर इन्फिनिटी बाय एम प्लस एम बाय एम, इसको हम लिख सकते ऐसे भी लिख सकते हैं आर एम इक्वल टू 1 प्लस एम बाय कैपिटल एम, दस आर एम इज less than r infinity by the factor of 1 by 1 m plus m by m and is different for different atoms depending on their nuclear mass, and iska ratio hamara kya nikal ke aayega m by capital m equal to 1 by 1836 and rebert constant ki hamari value kya hoti hai 109677 per centimeter, रेबर्ड कांस्टेंट इज लेस देन आर इन्फिनिटी बाय अबाउट 1 part in 2000। वेरिएशन देखेंगे हम, ग्राफ क्या है हमारा, द वेरिएशन रेबर्ड कांस्टेंट फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट अगेंस्ट द the mass number, ये क्या हमारा रेबर्ड कांस्टेंट फॉर द मास m, ये हमने रेबर्ड कांस्टेंट की वैल्यू इस तरह से रख ली, ये हमारी इंक्रीज होती जाती है अप्रोच कर जाती है r
इन्फिनिटी को। इसमें क्या देखेंगे हम, द लार्जेस्ट चेंज अकर बिटवीन एच वन एंड एच टू विद इंक्रीजिंग मास नंबर द रेवर्ड कॉन्स्टेंट अप्रोच मोर एंड मोर क्लोजली टू द आर इन्फिनिटी। फॉर बोथ मॉडल द एक्सप्रेशन ऑफ सीरीज स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, हमने ये वेवलेंथ निकाली थी फर्स्ट लेक्चर में जो थी हमारी रेवर्ड कॉन्स्टेंट जेड स्केयर इंटू वन बाय एन फाइनल स्टेट माइनस वन बाय एन इनिशियल स्टेट। फॉर फाइनाइट मास के लिए, मास के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम आर एम लिख देंगे एंड बिल्कुल एज इट इज इक्वेशन आ जाएगी। फॉर हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए हमारा जेड किसके इक्वल होता है, वन पे, वन के, तो हम जेड इक्वल टू वन, वन का स्केयर हमारा वन, तो हमारी फॉर हाइड्रोजन के लिए हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, आर एच वन बाय फाइनल स्टेट माइनस वन बाय द इनिशियल स्टेट का स्केयर। एंड फॉर हीलियम, हीलियम के लिए हमारा एटॉमिक नंबर टू होता है, तो हमारा टू, इसके अंदर जब टू पुट करेंगे टू का स्केयर फोर, फोर आर एच ई, दिस इक्वेशन इज एड एज इट इज। एंड फॉर लिथियम, लिथियम के लिए हमारा एटॉमिक नंबर थ्री होता है, तो वेवलेंथ हमारी थ्री का स्केयर इक्वल टू नाइन आर लिथियम इंटू वन बाय एन एफ फाइनल स्टेट का स्केयर माइनस वन अपॉन एन आई का स्केयर। फॉर बेरिलियम के लिए क्या होता है हमारा एटॉमिक नंबर फोर, तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी इसको हम फोर स्केयर करेंगे तो सिक्सटीन आर बेरियम इंटू वन बाय एन फाइनल स्टेट का स्केयर माइनस एन इनिशियल स्टेट का स्केयर। द डिफरेंस इन द रेबर्ट कॉन्स्टेंट फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम कैन बी यूटिलाइज टू कंप्यूट द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम, इसका रेशियो निकालेंगे हम। तो हमने अभी ऊपर हाइड्रोजन एटम के लिए रेवर्ड कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी आर इन्फिनिटी बाय वन प्लस एम अपॉन एम एच, और हीलियम के लिए हम इसमें एम एच की जगह एम एच ई फॉर द हीलियम मास। मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस इज नियरली इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द हाइड्रोजन न्यूक्लियस, तो इसको हम क्या लिख देंगे, मास हीलियम अप्रॉक्सीमेट टू फोर एम हाइड्रोजन, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, आर हीलियम इक्वल टू आर इन्फिनिटी बाय वन प्लस एम अपॉन फोर एम एच। हम इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे आर एच की एंड आर एच ई, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने के बाद हमारा जो रेशियो आएगा एम बाय एम एच वो आ जाएगा रेबर्ट कांस्टेंट फॉर हीलियम माइनस आर एच बाय आर एच माइनस आर एच ई बाय फोर, यही रेशियो हमें इसके अंदर निकालना था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है।